अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो बाइट्स। इसको आप शाम को एज अ स्नैक भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। यहाँ पर मैंने छोटा प्याला लिया हुआ है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप सूजी और आधा कप इसमें जाएगा गरम पानी। पानी को मैंने ऑलरेडी गरम करके रख दिया था और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और ये अच्छा सा इसका डो बन जाए। सूजी को हमने साइड में कर दिया है और इधर मैंने ले लिया है एक छोटा सा आलू जिसको मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था और अब इस आलू को करेंगे मैश। अगर आप मैशर से करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कांटा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा क्वान्टिटी में आलू नहीं है तो ये आराम से और जल्दी से मैश हो जाएगा। आलू मैश कर देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूजी जो हमने पहले भिगो कर रखी हुई थी। इसको थोड़ा सा रफली मैश कर लेंगे आलू के साथ। मैश कर देने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। इसको मैंने अच्छे से धोकर काट लिया था। अब इसमें जाएगी एक हरी मिर्च। मैंने मीडियम साइज की हरी मिर्च ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से। हरी मिर्चों के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका। नमक मैंने थोड़ा सा डाला था और आखिर में मैंने टेस्ट करके देखा था तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। एक चौथाई टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसका डो काफ़ी स्टिकी बनता है तो इस वजह से ये बाउल एक जगह पर नहीं टिक रहा और ये इधर उधर हो रहा है। और अगर आप चाहें तो चम्मच की जगह अपने हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। सब कुछ मिक्स कर देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आखिर में एक टेबल स्पून ऑयल और अब मैं दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स कर देने के बाद अब ये डो बनके तैयार है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया था और मैंने इसको इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया है और फ्लेम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है, मीडियम टू लो। और अब ये मैं थोड़ा थोड़ा कांटे पे लेकर इसको चम्मच की मदद से कढ़ाई में डाल रही हूँ। और अगर आप ये अपने हाथों से करेंगे तो आपके हाथ बहुत ही स्टिकी और गंदे से हो जाएंगे, तो प्लीज़ इसको चम्मच से ही कीजिएगा। अगर आप कांटा यूज़ नहीं करते तो आप दो चम्मच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चम्मच यूज़ करना लाजमी है इसमें। और यहाँ पर मैंने सारे डाल दिए हैं। डालने के बाद इसमें चम्मच नहीं चलाना, एक से दो मिनट आप इसको ऐसे ही रहने दें वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। थोड़ी देर बाद अब मैंने इसमें चम्मच चलाया है और अब इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। और आपने बीच बीच में बार बार इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है वरना ये जल के कोयला हो सकते हैं। सो प्लीज़ 5 से 6 मिनट बाद ये बनके तैयार है और इन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आया है और यहाँ पर जगह बच रही थी कढ़ाई में तो मैंने और भी डाल दिए थे। और अब इन सबको मैं डिश आउट कर रही हूँ और अब ये आप देख भी सकते हैं कि इसका कितना अच्छा सा कलर आया है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे कैमरा के सामने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर तो लाजमी बनता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।